बागेश्वर जिले में लगातार हो रही बारिश से जहां आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है, वहीं भूस्खलन से पूरी तरह प्रभावित कुंवारी गांव के लिए बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। सड़कें बंद होने के चलते गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से टूट चुका है, जिस वजह से गांव की एक गर्भवती महिला को ग्रामीण पैदल लकड़ी के स्ट्रेचर पर 22 किलोमीटर दूर थ्राली स्वास्थ्य केंद्र ले गए। सुविधा तो हमको चाहिए, पर लेकिन वहाँ रास्ता न होने के कारण वो सुविधा नहीं हो पा रही है कह रहे हैं। लेकिन है भी थोड़ा टफ है, रास्ते चारों ओर से बंद हो गए हैं, और जिस स्थिति में हम उस महिला को लाए, वो बच्चा भी हो गया थराली में हॉस्पिटल में, और कठिन परिस्थिति तो है ही, रास्ते सारे बंद हैं हमारे। अस्पताल में महिला का सुरक्षित प्रसव हुआ और जच्चा बच्चा की जान बच गई है। वहीं गांव में अभी 6 अन्य गर्भवती महिलाएं हैं, लेकिन गांव में स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, जिसके चलते गर्भवती महिलाओं को जान जोखिम में डालकर इस खतरनाक सफर को तय करना पड़ता है। लेकिन प्रशासन इसके लिए अभी तक गंभीर नहीं है, जबकि स्वास्थ्य विभाग आपदाग्रस्त क्षेत्र कुवारी गाँव की महिलाओं को कपकोट अस्पताल लाने को दावा करता रहा है। एक्चुअल में स्थिति ये थी कि हॉस्पिटल तो बदियापुर काफी दूर है, लेकिन वहाँ पर जब उसका प्रसव होना था तो हमारे गांव की चारों तरफ से सारी सड़कें बंद थी। बंद होने के कारण हमारे गांव के लोगों ने उसको लकड़ी पे स्ट्रेचर बना के उसको गांव से 12-14 किलोमीटर न 7-8 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे चढ़ा के फिर उस पहाड़ी से उधर से हमारे लोगों ने उसको गढ़वाल में उतारा, और गढ़वाल में उतार के फिर पैदल जहां जहां से उनको रास्ता मिला वहां से उन लोगों ने लेके वहां थराली पहुंचाया और थराली में उसका प्रसव हुआ है। प्रशासन की अनदेखी से ग्रामीणों में भारी रोष है, और अपनी परेशानियों को लेकर स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से बात की और अपनी समस्याओं से डीएम को अवगत कराया। हमारे गांव से महिला को पैदल ले आए लोग, ये बहुत ही गंभीर मसला है, और ये मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग की इसमें एक बहुत बड़ी लापरवाही है। उनको ये सब चीजें देखना चाहिए, और जो इनके ग्राउंड लेवल के ऑफिसर है उनको तो बिल्कुल देखना चाहिए, आशा है ना। लेकिन जो सीनियर अधिकारी है उनको भी मॉनिटरिंग करना चाहिए, जब यहाँ से निर्देश मिल रहे हैं तो उन्होंने नहीं की। इसको देखते हुए मैंने जो उनके चिकित्सा अधिकारी कपकोट हैं उनका वेतन रोकते हुए उनको सो कॉल्ड नोटिस इशू किया है, और इसमें मैंने सीएमओ का भी जवाब तलब कॉल किया है, और उनको सख्त निर्देश मेरी तरफ से यदि 3 दिन के अंदर वो गर्भवती महिलाओं को जो दूर दराज एरिया में है उनको शिफ्ट नहीं कर पाते हैं तो सीधे फिर मैं विशेष प्रतिकूल परिस्थिति प्रदान करूंगी, क्योंकि हमको हमारी जिम्मेदारी की हम IMR और MMR घटाएं जनपद में, तो जो कि इनके द्वारा नहीं किया गया और बहुत बड़ी लापरवाही। बता दें कि जिले का दूरस्थ गांव कुवारी उच्च हिमालय क्षेत्र में बसा है। गांव में भूस्खलन के चलते सरकार द्वारा पूरे गांव का विस्थापन करने की बात कही गई थी, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन अब तक विस्थापन की व्यवस्था नहीं कर पाया है। प्रशासन की इस लापरवाही के चलते ग्रामीण दहशत में जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।